अफ्रीका के साथ 2-2 से सीरीज ड्रॉ करने के बाद भारतीय टीम आयरलैंड के साथ T20 सीरीज खेलेगी। 2 मैच की सीरीज 26 जून से शुरू होगी। इस दौरे के लिए भारतीय टीम के चयन के बाद क्रिकेटर राहुल तेवतिया ने एक ट्वीट किया था। इस पर साउथ अफ्रीकी टीम के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने राहुल तेवतिया को सलाह दी है कि वो अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर निकालने के बजाय अपने खेल को और बेहतर करें। उन्होंने ये भी कहा कि आगे से कभी सिलेक्शन नहीं होने पर इस तरह से करना ठीक नहीं है। IPL के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई सीरीज के लिए राहुल तेवतिया का टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके बाद आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन हुआ, लेकिन उसमें भी राहुल तेवतिया का नाम नहीं है। इस बात से हताश होकर तेवतिया ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया, जिस पर लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। तेवतिया ने आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में नहीं चुने जाने के बाद लिखा, उम्मीदें दर्द देती हैं। टीम इंडिया के आयरलैंड के साथ मैच के लिए 17 सदस्यों के नाम का ऐलान हुआ है। हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान बने, जबकि संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और राहुल त्रिपाठी जैसे IPL के स्टार्स को टीम में वापसी का मौका मिला, लेकिन तेवतिया को टीम में जगह नहीं मिली। राहुल तेवतिया पिछले लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। IPL 2022 में भी वो विनिंग टीम गुजरात टाइटन्स के लिए खेल रहे थे, जहां पर उन्होंने 150 के स्ट्राइक रेट और 30 की बैटिंग एवरेज से 217 रन बनाए। तेवतिया को उम्मीद थी कि रोहित, विराट, राहुल जैसे बड़े नामों की गैर हाजिरी में उन्हें भारतीय दल में मौका मिलेगा, लेकिन उनका नाम 17 खिलाड़ियों में भी नहीं आया। इसके बाद ग्रेम स्मिथ ने तेवतिया को सलाह देते हुए कहा, भारत के पास बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। कोच राहुल द्रविड़ और कैप्टन रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर खिलाड़ियों को चुन लिया होगा, इसलिए यहाँ बैठकर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। हम सभी जानते हैं कि राहुल तेवतिया ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन टीम के लिए जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत तगड़ा है। स्मिथ ने आगे कहा, मैं उन्हें सिर्फ यही कहूंगा कि वो ट्विटर से दूर रहें और अपने खेल पर ध्यान लगाएं और परफॉर्म करें। कोशिश करें कि अगली बार जब टीम का ऐलान हो तो उन्हें कोई भी टीम से बाहर ना रख पाए, वो उस दरवाजे को तोड़कर अपनी जगह बनाएं। स्मिथ के साथ ही सुनील गावस्कर ने भी राहुल तेवतिया पर अपनी बात रखी है। उन्होंने भी तेवतिया के ना चुने जाने पर हैरानी जताते हुए उन्हें और कड़ी मेहनत करने के लिए कहा है। गावस्कर ने कहा, राहुल तेवतिया को आयरलैंड टूर पर भारतीय टीम में होना चाहिए था। उन्होंने IPL में शानदार प्रदर्शन किया था। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने चतुराई से बैटिंग की। कोई व्यक्ति अगर इस तरह का टैलेंट रखता है तो उसे कम से कम 16वें सदस्य के रूप में टीम में होना चाहिए। गावस्कर ने आगे राहुल तेवतिया से कहा, मैं राहुल तेवतिया से कहूंगा, देखो आपका चयन नहीं हुआ है, इससे खुद को निराश ना होने दो, मेहनत करो, आप भारतीय टीम में जरूर शामिल होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद इंग्लैंड के साथ भी T20 सीरीज खेलेगी, जिसके लिए टीम का ऐलान होना अभी बाकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। मैंने हारिका यादव, स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।